हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉट पॉट रेसिपीज। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पकोड़े वाली कढ़ी, जो कि खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है और बच्चों से लेके बड़ों को सबको पसंद आती है। और ये रेसिपी बहुत जल्दी ही बनके रेडी भी हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाने की रेसिपी। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पकोड़े के लिए घोल। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है। उसमें हम ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और खटास के लिए आमचूर पाउडर। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कसूरी मेथी। यहाँ पे हम बनाएंगे प्याज वाले पकोड़े। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी मिला के घोल बना लेंगे। ये देखिए, हमारा घोल बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है, तो हम अपने पकोड़े तलने स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, कुछ हमारे पकोड़े इस प्रकार तले जा रहे हैं। और साथ ही मैंने बना लिया है घोल। यहाँ पे मैंने लस्सी ली है, जो कि गांव से लाई हुई लस्सी है। और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और इन सबको अच्छे से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे, ताकि कोई भी लम्स ना बने। यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे अपने खड़े मसाले। यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, सूखी लाल मिर्ची, कढ़ी पत्ता और हींग। हींग से कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये पकाने में भी हेल्प करती है। यहाँ पे हमारे मसाले भुन चुके हैं, तो हमने ऐड कर दिया एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा यहाँ पे पक चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने घोल बनाया हुआ था कढ़ी का, उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। और घोल ऐड करने के बाद हमें इसको चलाते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी कढ़ी फटने का डर होता है। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको थिक लग रही है तो आप इसमें और लस्सी ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ कंसिस्टेंसी इस प्रकार से है। कढ़ी में अब उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद आप इसको चलाना छोड़ सकते हो। ये देखिए, हमारी कढ़ी यहाँ पे पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें हल्का सा तड़का लगाएंगे एक कलर के लिए। यहाँ पे मैंने पैन में घी डाल लिया है और इसमें गर्म होने पे हम ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, जो सिर्फ कलर के लिए होता है। इससे कढ़ी देखने में बहुत ही टेम्पटिंग सी लगती है। यहाँ पे हम हमारा ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये देखिए, ऐड करने से कढ़ी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। अब हमारे यहाँ पकोड़े ऐड कर देंगे। पकोड़े मैं हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ। और इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। होप आपको कढ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करना ना भूलें। और आप भी इसको अपने घर पर बना के ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। सो बाय बाय दोस्तों, एंड थैंक यू।